हे हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम है सुमंत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको टेकन 6 पर जो पॉल फिनिक्स का सैम्पल कॉम्बो 5 है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे परफॉर्म करना है इन गेम। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सैम्पल कॉम्बो की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आपको दिख रहा होगा कमांड लिस्ट में सैम्पल कॉम्बो 5, ये देख लो एक बार। स्पार्क के साथ 72 का डैमेज मिलता है इस कॉम्बो को परफॉर्म करने पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में और सिंपल टेक्निक से मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि ये कॉम्बो जो है आप कैसे अपने फ़ोन पे इन गेम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से नए नए प्लेयर्स हैं वो टेकन 6 खेलना चाहते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ खेल नहीं पाते, क्योंकि बहुत से अच्छे प्लेयर्स कॉम्बो जानते हैं, ठीक है। तो वो खेल लेते हैं अच्छे से, और जिन लोगों को कॉम्बो नहीं पता है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। या तो वो सिर्फ थ्रो का ग्रैबिंग का स्पैम कर लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उनको या तो पता नहीं होता कि किस तरह से कौन से मूव के बाद क्या क्या मूव करने पे हमारा कॉम्बो बन जाता है। तो आज के इस वीडियो पर इस कॉम्बो को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, बहुत ही इजी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, इस कॉम्बो का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका बैक बटन और जो क्रॉस बटन है इसको आपको एक साथ दबाना है। तो इस पर ये वाला मूव कॉम्बो का पहला जो मूव है वो ये है, बैक बटन और क्रॉस बटन, इन दोनों को एक साथ दबाना है। तो ये ऐसे होगा, आप ऐसे 10 बार ऐसे प्रेस करते रहोगे तो आपके हाथ में ये प्रैक्टिस हो जाएगा, एक साथ दबाना, ठीक है। पहले आपने ये कर लिया, उसके बाद आपका जो इस कॉम्बो का जो सेकंड मूव है वो है क्रॉस बटन और ट्रायंगल बटन, ठीक है। इसको बारी बारी दबाना है थोड़ा फास्ट, इसमें ये वाला मूव होगा, ये देखो। क्रॉस बटन दबाने के बाद ही ट्रायंगल बटन दबा देना है, ये ऐसे फास्ट मूव करेगा, ठीक है। ऐसे रुक रुक के आपको परफॉर्म नहीं करना है, ऐसे एक बार ये दबाया फिर रुक गए फिर ट्रायंगल दबाया, ऐसे दबाओगे तो ये जल्दी से आप इस मूव को यूज़ नहीं कर पाओगे। इसको करने के लिए बारी बारी थोड़ा सा फास्ट प्रेस करना है। ये है कि पहले आपने क्रॉस बटन दबाया फिर ट्रायंगल को तुरंत ही दबा देना है, ठीक है। ये बारी थोड़ा फास्ट, तो ये हमारा सेकंड मूव है। इसको आप ऐसे 10 बार करते रहोगे तो ये फिंगर्स में जो है बैठ जाएगा कि कैसे करना है सेकंड मूव। इसके बाद आता है ये, जब इसके बाद आएगा ये थर्ड जो मूव है ये होगा, वो हमारा है ये स्क्वायर बटन दबाना है, तो ये वाला मूव करेगा, क्योंकि उस टाइम कॉम्बो के बीच में हमारा ओपोनेंट ऊपर की ओर रहता है तो हमें ये प्रेस करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये थर्ड मूव है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ मूव, फॉरवर्ड बटन और जो ट्रायंगल और जो बॉक्स बटन है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ दबाना है फॉरवर्ड के साथ, लाइक दिस। मैंने कॉम्बो पे मैंने सेट कर रखा है, आप भी सेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ये आपको दिख रहा है और ये जो बटन है, ये दोनों, सिर्फ ये दोनों, वो मैंने कॉम्बो पे सेलेक्ट कर रखा है इसलिए वो दोनों दिखा रहे हैं प्रेस हुआ, वो इजी हो जाता है हमें कॉम्बोज यूज करने के लिए। तो आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो ये हमारा चौथा मूव आ जाएगा कॉम्बो का, ठीक है। अब ये मूव जब हो जाता है तो यहाँ पे जो है हमारा ओपोनेंट थोड़ा बाउंस होता है, बाउंस होने पे ये थोड़ा दूर भी रहता है, तो हमें क्या करना है, तो थोड़ा नियर जाने के लिए कॉम्बो के ओपोनेंट के नियर जाने के लिए हमें दो बार फॉरवर्ड बटन दबाना है। तो इससे क्या होगा, हम नियर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे नियर आ जाएंगे, दो बार दबाना है, ठीक है। जो कॉम्बोज में है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम ये आ जाएंगे फिर आपको जो है डेमोलेशन मैन, ये कमांड लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है ब्लू स्पार्क भी निकलता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। ये है, अब आपको ये चीज़ देख के अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे परफॉर्म करना है, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। जो डाउन बटन है और ये क्रॉस बटन है, जो डाउन बटन है और जो सर्कल बटन है, इन दोनों को एक साथ दबाना है ऐसे, तो ये वाला मूव होगा, ये देखो, ठीक है।
जब हमारा डाउन बटन और सर्कल बटन दबाने पे ये मूव होता है, इस मूव में जब ओपोनेंट को हिट होता है ना, तभी हमें ये ट्रायंगल बटन दबाना होता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, ये वाला मूव, ये डाउन बटन और सर्कल बटन को एक साथ दबाने पे ये मूव हुआ, जब इस मूव से हिट हुआ ओपोनेंट को, तब हमें ट्रायंगल बटन दबाना है, जिससे ये वाला मूव होगा, ठीक है? अब इसके बाद हमें जो लास्ट जो है मूव, उसको हमें कैसे करना है, जब हम दोनों, हमारा ये जो हो जाता है, ये हिट होते टाइम ही हमें प्रेस करना है ट्रायंगल बटन और स्क्वायर बटन। वो कब प्रेस करना है बता देता हूँ। डाउन सर्कल दबा के, ये जब हमने ट्रायंगल दबाया, ठीक है, जब हमने ट्रायंगल बटन दबाते, जब हमारा एल्बो, जब हमारा ओपोनेंट को जब हिट करता है, तभी हमें ट्रायंगल बटन और स्क्वायर बटन एक साथ प्रेस करना है, ठीक है? ठीक है, जब हमारा डाउन सर्कल और ट्रायंगल, जब ट्रायंगल बटन पे जब हमारा जो ओपोनेंट को जब हिट होता है, तभी हमें ट्रायंगल और स्क्वायर बटन दबाना है, जिससे डेमोलिशन मैन मूव, लास्ट में जो कॉम्बो का जो लास्ट मूव है डेमोलिशन मैन मैन, वो परफॉर्म होता है लाइक दिस। ये देख लो, मेरे से भी ड्रॉप होता है, हर किसी से होता है भाई। मैटर करता है ब्लू स्पार्क निकालने के लिए, आपको परफेक्ट टाइमिंग पे अगर आप प्रेस करोगे तो ही ब्लू स्पार्क निकलेगा, अगर थोड़ा सा टाइमिंग डिले हो जाता है तो ब्लू स्पार्क निकलता नहीं, ठीक है? तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे करना है डेमोलिशन जो है, ठीक है? मैंने एक नंबर पे कॉम्बो की सेटअप कर रखा है, तो मैंने उसी को दबा दिया, मैं वैसे ही प्रेस करता हूँ, आप चाहो तो आप भी वैसे कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने कॉम्बो का जो है पूरा आपको बता दिया है कि पहले से एंड तक कि कौन कौन से कीज हैं जो आपको यूज़ करना है, ठीक है? अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कॉम्बो को, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो गया क्योंकि ओपोनेंट थोड़ा सा दूर था, ठीक है? तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। सेवेंटी टू का डैमेज, जैसे ही मैंने सैम्पल कॉम्बो पे आपको कमांड लिस्ट से दिखाया था 72 का डैमेज, सेम एज इट इज वैसे ही मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया बिना कॉम्बो ड्रॉप करे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? टेकन 6 के मैं अभी जो है ऐसे कॉम्बो वीडियोज़ और भी मैं लाते रहूँगा, जिससे आप सभी को थोड़ा कुछ हद तक, या तो मैं कह सकता हूँ नए नए जो प्लेयर्स होते हैं, जो टेकन 6 खेलने वाले होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कॉम्बोज जो हैं परफॉर्म करने में, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे बंदों ने कॉम्बो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन इस तरह से अच्छे से एक एक कॉम्बो को जो परफॉर्म करना होता है, जो टाइमिंग है, वो कोई अच्छे से बताता नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका हर एक कॉम्बो आप इजीली परफॉर्म कर सको, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑनलाइन मैं टेकन 6 खेलता हूँ ऐसे PSP मुलेटर के थ्रू, तो आप भी खेल सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या तो आप आई बटन पे देख पाओगे, ठीक है? तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी चेक कर लेना, और मेरा जो डिस्कॉर्ड का लिंक है वो भी मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हो, खेल भी सकते हो मेरे साथ, ठीक है? जब आप फ्री होंगे और जब मैं फ्री होता हूँ, ठीक है? तो बस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।